हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। शुरुआत करते हैं। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली राजनीति, वकालत, खेल और सामाजिक जीवन की तमाम यादों को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली राजनीति, वकालत, खेल और सामाजिक जीवन की तमाम यादों को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। निगमबोध घाट पर दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे रोहन ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। और एक उच्च कोटि के एडवोकेट वकील हर विश्व कोटि एडवोकेट की अपनी बेबाकी से पार्लियामेंट में जब बोलते थे सब लोग मेरे को ले जाते थे। ऐसे अच्छे प्रखर कार्यकर्ता के होने से वास्तव में बहुत एक देश को भी हम खास करके बहनों के लोग अपना मानते थे और बहुत प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार के लोगों को सही शक्ति को शांति। बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेटली ने शनिवार दोपहर 12:07 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। वो 66 साल के थे और किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके जेटली कैंसर से पीड़ित थे। जेटली हमेशा लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम किया करते रहे। इससे पहले शनिवार को जेटली के आवास पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जेटली को याद कर मोदी हुए भावुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। उन्होंने शनिवार को जेटली की पत्नी और उनके बेटे से फोन पर बात की। दोनों ने मोदी से अपना विदेश दौरा रद्द न करने की अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री बहरीन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक दर्द दबाकर आपके बीच खड़ा हूँ। विद्यार्थी काल से लेकर सार्वजनिक जीवन में हम मिलकर साथ चले, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर जूझते रहना, जिस दोस्ती के साथ ये सब किया उसने आज देश छोड़ दिया। कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी दूर बैठा हूँ और मेरा एक दोस्त चला गया। बड़ी दुविधा का पल है, लेकिन मैं एक तरफ कर्तव्य और दूसरी तरफ दोस्ती की भावना से भरा हूँ। मैं दोस्त अरुण को बहरीन की धरती से श्रद्धांजलि देता हूँ। इलाज के लिए अमेरिका भी गए थे अरुण जेटली। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जेटली 9 अगस्त को एम्स में भर्ती हुए थे। जेटली का सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का इलाज चल रहा था। वो इस बीमारी के इलाज के लिए 13 जनवरी को न्यूयॉर्क गए थे और फरवरी में वापस लौट आए। जेटली ने अमेरिका से इलाज कराकर लौटने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि घर आकर खुश हूँ। उन्होंने अप्रैल 2018 में भी दफ्तर जाना बंद कर दिया था। 14 मई 2018 को एम्स में ही उनके किडनी प्रत्यारोपण भी हुई। वो शुगर की बीमारी से भी पीड़ित थे।
सितंबर 2014 में वजन बढ़ने की वजह से जेटली की बेरियाट्रिक सर्जरी भी कराई गई थी। जीत के जश्न में शामिल नहीं हुए थे जेटली। जेटली को 6 महीने पहले भी जांच के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज के लिए यूके और यूएस जाने की सलाह दी। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में वो नजर नहीं आए थे। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। मई 2019 में उन्होंने मोदी से कह दिया था कि नई सरकार में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद मोदी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे थे। 1973 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। जेटली के पिता महाराजा किशन जेटली और मां रतन प्रभा थी। जेटली के पिता भी वकील थे। जेटली ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की। 1973 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। अरुण जेटली 1973 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के संयोजक थे। कोई ऐसा मौका याद नहीं है कि जो सवाल लेकर गए जो आप नहीं मिला। हर समय वो उत्तर के रूप में थे, हर समय उपलब्ध थे। व्यक्तिगत क्षति तो हम लोगों की है ही है, लेकिन देश की क्षति भी है और पार्टी की क्षति भी है, और उनकी कमी को पूरा करना अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। एक बेस्ट रिसोर्स पर्सन देश से चला गया। 24 मई 1982 को उनका विवाह संगीता से हुआ। उनका एक बेटा रोहन और बेटी सोनाली है। जेटली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना और प्रसारण, कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद मोदी सरकार में उन्हें वित्त और रक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी संभाला। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। जेटली के 66 साल। जन्म 28 दिसंबर 1952। 1973 दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से स्नातक की। साल 1974 दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। साल 1975 आपातकाल के दौरान अरुण जेटली गिरफ्तार किए गए। 1977 दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। एबीवीपी के अखिल भारतीय सचिव बनाए गए। साल 1980 ये साल अरुण जेटली के लिए बेहद खास रहा जब वो बीजेपी में शामिल हुए। 1990 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। बोफोर्स केस में दलीलें दी। साल 1991 बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए। 1998 यूएन आम सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए। साल 1999 वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण के साथ विनिवेश मंत्रालय भी संभाला। साल 2000 अरुण जेटली राज्यसभा पहुंचे। इसके साथ ही कानून मंत्रालय का प्रभार भी संभाला। 2006 पुनः राज्यसभा सांसद निर्वाचित किए गए। साल 2009 राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने और वकालत छोड़ दी। साल 2012 तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2014 मोदी सरकार में वित्त के साथ रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी संभाला। 2018 किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। 24 अगस्त 2019 दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ। अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके द्वारा लिए गए फैसले हमारे बीच हमेशा याद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।